अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई टेक्निक सीखने जा रहे हैं, फास्टेस्ट ट्रिक्स टू सॉल्व स्क्वायर क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए, स्क्वायर के अंदर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उसका यहाँ पे ऑप्शन दिए, उसमें से सही जवाब चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है 5, 2 में है 6, 3 में है 4 और 4 में है 8। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किस तरह से इसकी तरतीब दी गई है। तो यहाँ पे देखिए, 5 + 4 9, 9 + 2 11, यानी यहाँ पे इसकी एडिशन की हुई नहीं है। देखिए 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो यहाँ पे देखिए एडिशन नहीं की हुई, तो फिर क्या किया हुआ देखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे मल्टीपल है क्या देखेंगे, तो 5 4 20, तो 20 और ये 2, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 3 18, फिर 18 3 54 होता है, यानी ये भी नहीं है। तो ऐसे सूरत में क्या करने का, देखो यहाँ पर इन दोनों की जमा करें, इन दोनों का एडिशन करें। तो ये एडिशन करने वाले यहाँ पर आंसर अपने को मिलेगा, यहाँ पर 5 + 4 इज इक्वल टू आता है 9। फिर इस 9 से इस 18 को क्या करने का है, डिवाइड करने का है, तकसीम करने का है। तो देखिए यहाँ पे 18 / 9, तो 9 2 18, तब अपने को ये आंसर मिलेगा ये वाला, यानी शुरुआत के 2 डिजिट का यहाँ पे एडिशन किया हुआ है, उसके बाद जो लास्ट का जो डिजिट दिया हुआ है उसमें उसको डिवाइड किया गया है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जाएंगे, 6 + 3 इज इक्वल टू 9। फिर इस 9 से क्या करेंगे, जो आंसर आया उस 9 से 27 को डिवाइड करेंगे, तो 27 / 9, 9 3 27। तो इस तरह से यहाँ पे 3 आंसर आया। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे लास्ट इसमें जाएंगे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो 12 + 4 इज इक्वल टू 16। तो अब 16 से यहाँ पे अपने को डिवाइड करने का, 96 / 16, तो 16 6 होते हैं 96। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे 6 है, यानी इस खाने के अंदर, इस कॉलम के अंदर आंसर आएगा 6। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को हल करने का है। बिल्कुल एक बार समझ लीजिए, शुरुआत में क्या किया गया है, फर्स्ट 2 डिजिट का यहाँ पर एडिशन किया गया है और फिर जो आंसर आया उसके साथ यहाँ पे लास्ट डिजिट को उससे डिवाइड किया गया है। तो 5 + 4 9, फिर 18 को 9 से डिवाइड किया गया है, 9 1 9 और 9 2 18, आंसर यहाँ पे 2 आया। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देखिए, 6 + 3 ये 6 और ये 3 9, फिर 27 से डिवाइड किया उसको, तो 9 3 27, आंसर आया यहाँ पर 3। बिल्कुल उसी तरह से लास्ट में देखिए, 12 + 4 16, यहाँ पे 16 आया, तो यहाँ पे 96 दिया हुआ है, 96 / 16, तो 16 6 96, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं, फास्टेस्ट ट्रिक्स टू सॉल्व स्क्वायर क्वेश्चंस के अंदर। उससे पहले ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए बच्चों देखते इस स्क्वायर के अंदर कौन कौन से डिजिट दिए हुए हैं और इनका क्या एक दूसरे से ताल्लुक है। तो यहाँ पे देखिए 8 6 11, तो इनकी जमा करके देखेंगे कि बराबर आती है क्या, एडिशन करके 8 6 14 और फिर 14 और ये 11 मिलाए तो 25 हो जाती है। तो उसी तरह से 5 3 8 और 8 10, तो इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसका इसके साथ मल्टीपल करके देखेंगे। तो इधर ध्यान दीजिए, 8 × 3, 8 3 = 24, फिर उसके बाद ये जो 3 है उसको माइनस किया गया है इसके अंदर से, यानी 24 - 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 21। बिल्कुल उसी तरह से नेक्स्ट इसमें देखेंगे, 6 + 5 6 5 = 30, फिर 30 में से ये 5 को माइनस किया गया है, तो यहाँ पे आएगा 25। फिर यहाँ पे लास्ट देखेंगे जो हमको आंसर चाहिए, 11 2
22, फिर उस 22 में से इस 2 को क्या किया गया है, माइनस किया गया है, तो यहाँ पे आंसर आया 2020। तो ऑप्शन में देखेंगे 2020 है क्या, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर एक के अंदर 20 है, तो इस तरह से इसका सही जवाब ढूंढ के निकाल लिए। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीपल किए, तो 8 3 24, और फिर जो दरमियान में नंबर है उसका उसके साथ माइनस किया जाता है, तो फिर 8 3 24 -3 = 21। उसी तरह से सेकेंड इसमें देखिए 6 5 30, यहाँ पे 30 -5 जो दरमियान में है उसको माइनस किए, तो 30 -5 = 25। लास्ट देखेंगे यहाँ पर 11 2 22 -2 = 20, तो ऑप्शन नंबर 1 सही, यहाँ पे 20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर फास्टेस्ट ट्रिक टू सॉल्व सर्कल क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 6 5, यहाँ पे 126 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में देखेंगे 130 35 320 और 270। फिर हमें इस पे गौर करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसमें से कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या ये इसे डिवाइड किया गया है, तो नहीं डिवाइड भी नहीं नज़र आ रहा है, मल्टीपल किया गया है 6 5 30 तो वो भी नहीं है, तो यहाँ पे किया क्या गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्रॉस कॉम्बिनेशन देखेंगे, यहाँ पे इसका इससे और इसका इससे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पे 5 का क्यूब, हमें पता है कि 5 का क्यूब है 125 आता है, तो 5 का क्यूब आता है 125, फिर उसके अंदर क्या गया 125 है और यहाँ पे 126 है, यानी प्लस 1 किया गया है, तब जाके यहाँ पे आंसर आएगा 126। बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का क्यूब लेंगे, तो 6 का क्यूब हमें पता है 6 का क्यूब है 216, जैसे कि हमने पहले बताए थे वीडियो के 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और फर्स्ट से लेकर 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, तो यहाँ पे 6 का क्यूब है यहाँ पर 216, फिर हमने यहाँ पे प्लस 1 किए थे, बिल्कुल उसी तरह से इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 217। फिर इसी तरह से हम ऑप्शन में देखेंगे कि वो 217 है क्या, तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर 270 है, 217 उसका आंसर आया। फिर एक बार देखिए यहाँ पे हमने क्या किए, तो सबसे पहले इनके क्यूब लिए, तो इनका क्रॉस कॉम्बिनेशन देखे, तो 5 का क्यूब लिए, 5 का क्यूब यहाँ पे आ जाता है 125, फिर यहाँ पे 126 है और यहाँ पे 125 है, तो प्लस 1 एडिशन यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे प्लस 1 ऐड किया गया तो 126 आंसर आया। बिल्कुल उसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे 6, तो 6 का क्यूब यहाँ पे हमको पता है 216, उसमें 1 मिलाने के बाद जिस तरह से ऊपर के एग्जांपल में 1 मिलाया गया है, एडिशन किया गया, बिल्कुल उसी तरह से 1 ऐड करने के बाद 217 आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 9 8 और क्वेश्चन मार्क फास्टेस्ट ट्रिक्स टू सॉल्व सर्कल क्वेश्चन, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इससे पहले हमने सॉल्व किए थे वो था क्यूब वाला क्वेश्चन, तो ये क्यूब वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्क्वायर वाले क्वेश्चन नजर आ रहे, तो इस तरह से सॉल्व करना है देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले क्रॉस कॉम्बिनेशन उसमें भी था तो इसमें भी है, तो 8 का सबसे पहले हम क्या कर देंगे स्क्वायर लेंगे, तो 8 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 64, फिर यहाँ पे है 66 यानी प्लस 2 हो जाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 66, बिल्कुल उसी तरह से हम अभी 9 का स्क्वायर देखेंगे, तो 9 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर 81, हमको 30 तक स्क्वायर याद करने हैं, फिर उसके बाद जिस तरह से हमने प्लस 2 यहाँ पे किए बिल्कुल उसी तरह से प्लस 2 इधर भी हो जाएगा, यानी 81 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएंगे 83। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर है, एक बार वापस से देखिए 66 और 8 क्रॉस कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, 9 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्रॉस कॉम्बिनेशन क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सामने सामने आदत दिए हुए दोनों के और यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से अभी क्या करने है हमको इसका स्क्वायर लेने का है,
8 का स्क्वायर यहाँ पे 64, फिर यहाँ पे 66 है, तो 66 कब आएंगे, जब उसमें प्लस 2 हो जाएंगे, तो 64 प्लस 2 इज इक्वल टू 66। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे 66 आंसर मिला हमको। अभी 9 का स्क्वायर देखेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81, फिर प्लस 2, ऊपर प्लस 2 किए इसलिए यहाँ पे प्लस 2, 81 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएंगे 83। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में 83 4 ऑप्शन है वो सही आंसर है, तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 83। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्टेस्ट ट्रिक टू सॉल्व ट्रायंगल क्वेश्चंस। ट्रायंगल के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व करना है देखिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, फिर उस ट्रायंगल के अंदर कुछ नंबर्स दिए हुए, कुछ नंबर्स बाहर दिए हुए, फिर आखिर में उस ट्रायंगल के अंदर छोटा सा नंबर दिया हुआ है। तो उस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 12, यहाँ पे 12 है, 13 है, 14 है, उसके अंदर देखिए 16, 17, 14 इस तरह से नंबर दिए हुए। फिर अंदर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है नंबर्स यहाँ पे 12 दिया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे बाहर कुछ नंबर दिए हुए हैं 19, 16, 18, अंदर दिए हुए 25, 22, 12। फिर उसी तरह से उसके अंदर जो ट्रायंगल दिया हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है 16, 18, 20, 22। यहाँ पे आंसर में इस चार ऑप्शन में से एक यहाँ पर एक ट्रायंगल के अंदर आंसर आएगा। अब ये देखने के बाद हमको पता चलता है कि बहुत सारे नंबर हैं, कितना जंबलिंग होगा ये, यानी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे हम एक टेक्निक से गए तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से बहुत ही कम वक्त के अंदर उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखते यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे कौन से नंबर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ नंबर है 12, 13, 14 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 16। तो अगर गौर से देखेंगे कि 12 प्लस 4 कितने हो जाते हैं 16, यानी 12 के अंदर 4 ऐड किए तो यहाँ पे मिल जाएंगे अपने को 16 एंड 4 ऐड करना है। बिल्कुल उसी तरह से 13 प्लस 4 यहाँ पे देखिए 13 के अंदर प्लस 4 किए तो 17 हो जाते हैं, यानी यहाँ पे वापस 4 ऐड किया गया है। बिल्कुल उसी तरह से अभी यहाँ पे हम आगे देखेंगे 18 प्लस और यहाँ पे 14, 14 में प्लस 4 किए तो 18 हो जाते हैं, यानी यहाँ पे 3 टाइम क्या हो गया 4, 4 ऐड किए गए। बिल्कुल उसी तरह से अभी इसको क्या किया गया यहाँ पे, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे जो अंदर के जो ट्रायंगल में दिया हुआ है उसका आंसर दिया हुआ है, यानी यहाँ पे अपने को इजी समझ में आता है। सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पर इन दो नंबर्स का माइनस किया गया है या फिर प्लस किया गया है, 12 प्लस 4 यहाँ पे किया गया है 16 हो जाती है, 16 माइनस 4 अगर किए यहाँ पे तो 12 आंसर आ जाते हैं यहाँ पे। तो फिर उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए 13 प्लस 4 17, 14 प्लस 4 18, यानी 4 जो 3 टाइम किया गया यहाँ पर ऐड किया गया है, इसलिए हमको 4 4 4 यहाँ पे 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12। तो यहाँ पे जो अंदर ट्रायंगल में है वहाँ पे आंसर यहाँ पे 12 मिला। अब हम आते इस तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ जिसका हमको आंसर देखना है। तो 19 और 25 इनके दरमियान फर्क है 6 का, क्योंकि 19 के अंदर अगर 6 ऐड किया जाए तो हो जाएंगे 25। उसी तरह से 16 प्लस 6 यहाँ पे ऐड करने के यहाँ पे हो जाएंगे 22। उसी तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिए 12 प्लस 18 यहाँ पे भी 6 का फर्क है यहाँ पे 6, तो इस तरह से 6 12 और 6 18 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इस क्वेश्चन इम्तिहान में, सीईटी, टीईटी, एमपीएससी, यूपीएससी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ट्रिक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क के अंदर यहाँ पे उसको लिखेंगे 18। तो अभी हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं, किस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे 18 है, यानी सही आंसर यहाँ पे 18 आया। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो और टेक्निक्स अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसको एक बार वापस से देखिए। यहाँ पर हमने यहाँ पे किस तरह से की कि 19 प्लस 6 25, यहाँ पे 6 लिखिए, 16 प्लस 22 यहाँ पे 6 लिखिए, फिर 12 और 18 इसमें भी 6 का डिफरेंट है तो यहाँ पे 6 लिखिए, तो 6 6 6 18 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट जहाँ पे था अंदर ट्रायंगल में, तो 18 उसका सही आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है।